दोस्तों, अगर आपको भी इंडिया और श्रीलंका के बीच खेला गया अब तक का सबसे रोमांचक सांसें रोक देने वाला दूसरा वनडे मुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो को लाइक टारगेट केवल 400 लाइक का है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, कोलंबो के मैदान पर पहला वनडे मुकाबला टाई होने के बाद जब दूसरे वनडे के घमासान के लिए दुनिया की दो सबसे बड़ी इंडिया और श्रीलंका की टीमें आमने सामने आई, तब गेंद और बल्ले के बीच हुए कांटे के घमासान में कुछ ऐसा हुआ, पूरी क्रिकेट जगत हक्का बक्का रह गया। सबसे पहले आपको बता दें, इस महामुकाबले में श्रीलंका के कप्तान चरित्र असलंका ने एक बार फिर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। घमंड में चूर इस खिलाड़ी को लगा था कि वो एक बार फिर टीम इंडिया के खिलाफ बहुत बड़ा लक्ष्य खड़ा करने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन पहले ओवर में ही उनका ये फैसला उनकी सबसे बड़ी गलती बन गया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, श्रीलंका को विस्फोटक शुरुआत दिलाने के लिए उनकी तरफ से एक बार फिर पाथुम निशंका के साथ अविष्का फर्नांडो की खतरनाक जोड़ी रनों की बरसात करने के लिए आई थी, लेकिन टीम इंडिया की तरफ से तहलका मचाने आए मोहम्मद सिराज ने पारी की पहली ही गेंद पर पाथुम निशंका को विकेटकीपर केएल राहुल के हाथों कैच आउट करवा श्रीलंका को पहला झटका दे दिया, जहां निशंका को तो खाता भी खोलने का मौका नहीं मिला था। अभी से ऐसा लग रहा था कि कहीं टीम इंडिया 100 रनों के भीतर ही श्रीलंका को ऑल आउट ना कर दे। लंका के खेमे में मायूसी दिखने लगी थी, लेकिन तभी नंबर 3 के पायदान पर बल्लेबाजी करने आए कुशल मेंडिस ने टीम इंडिया की नाक में दम कर दिया। उन्होंने आविष्कार फर्नांडो के साथ मिलकर एक मजबूत पार्टनरशिप का निर्माण किया। हालत ऐसी थी कि चौकों की बरसात करते हुए इन दोनों खिलाड़ियों ने ऐसा तगड़ा पलटवार किया कि धीरे धीरे 5 ओवर और 10 ओवर पूरा पावर प्ले बीत गया, लेकिन टीम इंडिया को एक भी सफलता हासिल नहीं हो पाई थी। 10 ओवर के पावर प्ले में श्रीलंका ने 42 रन 1 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे, जो इतने ज्यादा तो नहीं थे, लेकिन फिर भी उनके बीच हुई ये साझेदारी भारतीय टीम की टेंशन बढ़ा रही थी। पावर प्ले खत्म होने के बाद दोनों खिलाड़ियों का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था। 12 ओवर में 49 रन बनाने वाली श्रीलंका को 13वें ओवर की पहली गेंद पर कुशल मेंडिस ने चौका लगाकर 50 रनों के पार पहुंचा दिया। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का हर एक प्लान फ्लॉप साबित हो रहा था। ये दोनों खिलाड़ी 16 ओवर में श्रीलंका को 65 रनों तक पहुंचा चुके थे। ऐसा लगने लगा था कि श्रीलंका शायद आज टीम इंडिया की हालत बिगाड़ देगी, लेकिन तभी इस मैच में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। जी हां, 17वें ओवर में रोहित ने जैसे वॉशिंगटन सुंदर को गेंदबाजी में बुलाया, फिरकी के इस जादूगर ने तीसरी गेंद पर चौका खाने के बाद ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए ओवर की अंतिम गेंद पर अविष्का फर्नांडो को कॉटन बोल्ड कर श्रीलंका को सबसे बड़ा दूसरा झटका दे दिया, जहाँ फर्नांडो 62 गेंद पर 5 चौके की बदौलत 40 रन बनाकर पवेलियन लौटे, तो 19वें ओवर की पहली गेंद पर दो सुंदर ने इस बार कुशल मेंडिस का शिकार कर लंका की कमर तोड़ दी थी, जहां मेंडिस 42 गेंद पर केवल 30 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जहां 79 रन ही बने थे और श्रीलंका ने अपने 3 सबसे बड़े टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों को दिए थे। मैच पूरी तरीके से टीम इंडिया की तरफ वॉशिंगटन सुंदर ने झुका दिया था। अब 3 विकेट गिरने के बाद मैदान पर दो नए बल्लेबाज खुद कप्तान चरित्र श्रीलंका के साथ सदीरा समर विक्रमा की जोड़ी मैदान में उतरी थी, और आते ही उन्होंने भारतीय गेंदबाजों पर जैसे मानो धावा बोलने का मन बनाया। तूफानी चौके से असलंका ने अपना खाता खोला तो समर्स विक्रमा ने भी कहां पीछे रहने वाले थे। 25वें ओवर में उन्होंने श्रीलंका को 100 रनों के पार पहुंचा दिया था, लेकिन अभी भी मैच में टीम इंडिया पूरी तरीके से हावी नजर आ रही थी। तभी लंका के जले पर नमक छिड़कते हुए वो अक्षर पटेल ने सदीरा समर विक्रमा को विराट कोहली के हाथों कैच आउट करवा श्रीलंका को चौथा झटका दिया था, जहां ये खिलाड़ी केवल 14 रन बना पाया। अब 4 विकेट गिरने के बाद अपने कप्तान का साथ निभाने के लिए जनित लियांगे मैदान आए थे। उन्होंने कप्तान के साथ मिलकर बेहद संभलकर अपने पद को आगे बढ़ाना शुरू किया। उनके कंधों पर अब विकेट बचाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। धीरे धीरे इन दोनों ने मिलकर 32 ओवर में श्रीलंका को 136 रनों तक पहुंचा दिया। वो दोनों श्रीलंका की वापसी करवाने की भरपूर कोशिश कर रहे थे, लेकिन दोस्तों तभी 34वां ओवर लेकर आए कुलदीप ने लियांगे का शिकार कर आधी श्रीलंका की टीम को समेट दिया था, जहां ये खिलाड़ी केवल 12 रन बना पाया तो गरीबी में आटा गीला। अगले ही ओवर में सुंदर ने श्रीलंका के कप्तान चरित्र असलंका का भी शिकार कर श्रीलंका की धज्जियां उड़ा दी थी, जहां असलंका 42 गेंद पर 3 चौकों की बदौलत 25 रन बनाकर पवेलियन लौटे और 35 ओवर में 136 रन ही बने थे। श्रीलंका के 6 बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के सामने ढेर हो चुके थे। अब श्रीलंका की आखिरी उम्मीद बनकर कमिंडो मेंडिस के साथ दुनित वेला लगे मैदान पर मौजूद थे। उन्होंने एक बार फिर भारतीय गेंदबाजों की अच्छी लड़ाई लड़ी, 39 ओवर में ही श्रीलंका को 153 रनों तक पहुंचा दिया। वो दोनों कमाल की बैटिंग कर रहे थे। एक बार फिर इन दोनों ने इस मैच में बेहतरीन पार्टनरशिप बनानी शुरू कर दी थी।
श्रीलंका को अब तेजी से रन बनाने थे क्योंकि 43 ओवर में मुश्किल से श्रीलंका केवल 176 रन बना पाई थी। कम से कम उन्हें टीम इंडिया से मुकाबला करने के लिए 250 रन चाहिए थे। तभी बैला लगे ने शुरुआत की अपना काउंटर अटैक। 44वां ओवर लेकर आए अक्षर पटेल को आड़े हाथों लेते हुए बैला लगे ने पहले खतरनाक चौके से उनका स्वागत किया तो चौथी गेंद पर तूफानी छक्का जड़कर पूरी टीम इंडिया को हैरान कर दिया। यहाँ तक कि अगला ही ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज की पहली गेंद पर छक्के से उनका स्वागत कर इस खिलाड़ी ने भारतीय खेमे में हड़कंप मचा दिया। लेकिन दोस्तों उनकी राजनीति ज्यादा लंबी नहीं चली। 47वां ओवर लेकर आए कुलदीप ने पहली गेंद पर सबसे बड़ी मछली बैला लगे का शिकार कर श्रीलंका की अंतिम उम्मीद को भी पवेलियन भेज दिया, जहां बैला लगे 35 गेंद पर एक चौका और दो छक्के की बदौलत 39 रनों की बेहतरीन पारी खेल गए। उनके आउट होने के बाद ऐसा लगा था कि श्रीलंका बहुत जल्द आउट हो जाएगी, लेकिन दोस्तों अकेला धनंजय और कमिंडो मेंडिस के इरादे तो कुछ और ही थे। 49वां ओवर लेकर आए सिराज की धज्जियां उड़ाते हुए इन दोनों ने दो खतरनाक चौके जड़े तो आखिरी ओवर में भी कमिंडो मेंडिस का तूफानी जारी रहा। आखिरी ओवर लेकर आए अर्शदीप की तीसरी गेंद पर इस खिलाड़ी ने खतरनाक चौका जड़ दिया, लेकिन 5वीं गेंद पर चालाकी से सिंगल चुराने के चक्कर में वो श्रेयस अय्यर को डायरेक्ट थ्रो के आगे रन आउट हो गए। लेकिन जाने से पहले उन्होंने 44 गेंद पर 40 रनों की बेहद खतरनाक पारी खेली थी। अंतिम गेंद पर भी विराट कोहली ने अकेला धनंजय को रन आउट किया और 50 ओवर में श्रीलंका की क्रिकेट टीम 240 रन 9 विकेट के नुकसान पर बना पाई। जहां टीम इंडिया के लिए सबसे ज्यादा सफलताएं वॉशिंगटन सुंदर ने हासिल की, उन्होंने 3 बल्लेबाजों को वापस भेजा, वहीं कुलदीप यादव को भी 2 विकेट मिले। अब इस मुश्किल लक्ष्य का पीछा कर टीम इंडिया को जीत दिलाने के इरादे से टीम इंडिया की तरफ से विस्फोटक कप्तान रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल की खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी थी। लेकिन पिछले मैच की तुलना में इस बार तो रोहित ने भी धीमी शुरुआत की। हालांकि गिल दमदार फॉर्म में नजर आ रहे थे। दूसरे ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने बैला लगे का स्वागत थप्पड़ की तरह करारे चौके से किया तो कप्तान रोहित ने भी चौथे ओवर में बैला लगे की पहली गेंद को बाउंड्री के बाहर डिपॉजिट कर श्रीलंका की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। तीसरी गेंद को भी रोहित ने इसी अंदाज में चौके के बाहर मारा और 5वीं गेंद पर एक और हैट्रिक चौका जड़कर उन्होंने लंका खेमे में हाहाकार मचा दिया था। तो वहीं दूसरी तरफ से गिल का बल्ला भी गरज रहा था। दोनों तरफ से श्रीलंकाई गेंदबाजों की भरपूर कुटाई हो रही थी। रोहित तो एक बार फिर श्रीलंका के गेंदबाजों का करियर ही तबाह करने के लिए आए थे। छठे ओवर में असित फर्नांडो को आड़े हाथों लेते हुए रोहित ने इस ओवर में एक चौका और एक तूफानी छक्का जड़कर 7 ओवर में टीम इंडिया को 50 रनों तक पहुंचाया और गिल के साथ 50 रनों की शानदार ओपनिंग साझेदारी को अंजाम दिया। तो अगले ओवर में अकेला धनंजय की गेंद को भी रोहित ने मैदान के ऊपर से बाउंड्री पार छक्के के लिए डिपॉजिट कर दिया। उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी का नतीजा हुआ कि श्रीलंका की जीत की उम्मीदें अभी से चकनाचूर होने लगी। रोहित ने अकेले ही श्रीलंका के जबड़े से इस बार मैच को छीनने की पूरी तैयारी कर ली थी। 10वें ओवर की चौथी गेंद पर कप्तान रोहित शर्मा ने अपने हिटमैन वाले अंदाज में गेंद को स्टेडियम पार छक्के में तब्दील कर केवल 29 गेंद पर अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया था। इसी के साथ उन्होंने 10 ओवर में ही टीम इंडिया को 76 रनों तक पहुंचा दिया था। उनके बीच हुई इस ओपनिंग पार्टनरशिप ने अब टीम इंडिया की जीत को 99% कन्फर्म कर दिया था, क्योंकि भारत को मुश्किल से 160 रन जीत के लिए चाहिए थे, जो उतना मुश्किल नहीं था। और यदि आउट भी हो जाते तो उनके बाद भी कोहली और राहुल जैसे विस्फोटक बल्लेबाज अभी आने बाकी थे, जो आसानी से टीम इंडिया को जीत दिलाने के काबिल थे। और टीम इंडिया ने आसानी से न केवल यह दूसरा वनडे मैच अपने नाम किया, बल्कि 1-0 से सीरीज में अजय बढ़त भी बनाकर इतिहास लिख दिया। तो दोस्तों रोहित की इस धमाकेदार बल्लेबाजी को अब 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे, अपनी राय नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।